हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल इफेक्ट के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स और ये जानने की कोशिश की थी कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या अंतर होता है। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिस एग्जांपल से हमको ये पता चलेगा कि वास्तव में साइटोप्लाज्म के द्वारा इनहेरिटेंस होता भी है कि नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स की स्टडी करने से ही हमको कंफर्म होगा 100% कि वास्तव में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। तो पहला जो एग्जांपल है वो है शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। सेल कॉइलिंग इन स्नेल्स अर्थात स्नेल्स होते हैं घोंघे, तो घोंघों में कवच कुंडलन। कवच कुंडलन क्या होता है? देखो, घोंघा सभी ने देखा होगा, तो घोंघा का जो कुंडलन होता है, नीचे की तरफ जो कॉइलिंग होती है, वो कॉइलिंग किस प्रकार की है? दक्षिणावर्त है या फिर वामावर्त है? अब देखो, कोई भी चीज दक्षिणावर्त है इसका मतलब है कि वो घड़ी की सुई की दिशा में है, और अगर वामावर्त है तो वो फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। तो जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है उस तरफ कॉइलिंग होती है, तो हम कहते हैं डेक्स्ट्रल। तो इसके लिए दो वर्ड यूज किए गए हैं, डेक्स्ट्रल, और दूसरा जो वर्ड है वो यूज किया गया है सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल, डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल। तो अगर दक्षिणावर्त कुंडलन होता है तो दैट इज, यानी कि घुड़ी की सुई की दिशा में होता है तो डेक्स्ट्रल है, और उसके विपरीत होता है तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सबसे पहले दो वैज्ञानिक हैं, एक तो है बाइकॉट और दूसरे स्टूटेवेंट, इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया कि घोंघों में साइटोप्लाज्म के द्वारा भी ये जो कवच कुंडलन है इसका डिटर्मिनेशन या निर्धारण होता है। तो घोंघों में देखिए, हम डेक्स्ट्रल के लिए लेते हैं S प्लस और इसके लिए लेते हैं S। दिस इज S प्लस, दिस इज S। तो सबसे पहले हम ये F1 में देख लेते हैं कि हमने उसमें एक एग्जाम एक करेक्टर देखा था कि यदि रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट्स अगर सेम नहीं आते हैं तो फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। तो जैसे एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक डेक्स्ट्रल है, डेक्स्ट्रल कोइलिंग वाला है, एक सिनिस्ट्रल कोइलिंग वाला है। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूं ताकि दोनों एग्जांपल, दोनों जो प्रोसेस है वो आपके सामने रहे। एक तो होता है डेक्स्ट्रल, एक इधर सिनिस्ट्रल। इस वाले डेक्स्ट्रल को मैं मान लीजिए यहाँ पर फीमेल ले रहा हूँ, इस वाले को यहाँ पर मैं मेल ले रहा हूँ। ऐसे ही ये दूसरा क्रॉस यहाँ पर है तो रेसिप्रोकल होगा, डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल। मैं इसको यहाँ पर मेल ले रहा हूँ और यहाँ इसको फीमेल ले रहा हूँ। ये थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर मैं डेक्स्ट्रल की ले रहा हूँ S प्लस, S प्लस,
और सिनिस्टर के लिए ले रहा हूं स्मॉल एस स्मॉल एस। अब इसके लिए भी डेक्सटल के लिए तो मैं यहां पर s प्लस ही लूंगा, एफएक्स है, और इसके लिए लूंगा मैं s स्मॉल s है, चाहे कैपिटल s पर बाकी s है। अब मैं जब इसमें f1pd में देखता हूं f1pd में तो ये s प्लस s, और इधर मैं देखता हूं तो ये भी s प्लस s ही बनता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा और इसमें जो कॉइलिंग है वो किस प्रकार की होगी। देखो यहां अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इन दोनों का जो फिनोटाइप है वो डेक्सटर होना चाहिए, क्योंकि तो यहां पर एस प्लस जो है वो डोमिनेंट है। ऐसे ही यहां पर ये एस प्लस डोमिनेंट है, इसलिए इसका भी जो फिनोटाइप है वो डेक्सटर ही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम यहां पर बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको मदर को देखना होगा ना कि फादर को, फीमेल को देखना होगा। तो यहां पर आप देखिए कि फीमेल का जो ये कॉइलिंग है वो डेक्सट्रल है और मेल की जो कॉइलिंग है वो यहां पर सिनिस्ट्रल है। तो फीमेल की अकॉर्डिंग टू द फीमेल दिस इज डेक्सट्रल। हम यहां पर जीरो टाइप पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, और हम यहां ध्यान देंगे मदर के साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म किस से आ रहा है। अब यहां देखिए यहां पर मदर है, ये मदर ये है, तो इसका जो कॉइलिंग है वो सिनिस्ट्रल है, तो निश्चित रूप से मानिए यहां पर ये जो कॉइलिंग है ये भी सिनिस्ट्रल ही बनेगी। अब देखो ये मेंडल के नियम का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये घोंगों में जो कवच कुंडल है ये मेंडल के नियम का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है, और यहां पर जो कॉइलिंग है वो अकॉर्डिंग टू मदर्स साइटोप्लाज्म चल रही है। यहां देखो ये डेक्सट्रल है लेकिन फीमेल है, ये सिनिस्ट्रल है मेल है, ये इसका रेसिप्रोकल क्रॉस है, जिसको हमने फीमेल लिया या इसको मेल लिया है, जिसको हमने मेल लिया था एक क्रॉस में दूसरे क्रॉस को इसको हमने फीमेल लिया है, तो दिस इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कभी भी सेम नहीं आते, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो जो डेक्सट्रल है उसका जो जीनोटाइप हमने एस प्लस एस प्लस लिया है, सिनिस्ट्रल का जीनोटाइप हमने लिया है एस एस, ऐसे यहां पर डेक्सटल का लिया है एस प्लस एस प्लस, सिनिस्ट्रल का लिया है एस एस। अब यहां जब हम इस एफ वन को देखते हैं, दिस इज एफ वन, दिस इज ऑल्सो एफ वन, तो ये एफ वन को अगर हम यहां देखें तो एफ वन जो है वो बनता है, बनना तो चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग टू डेक्सटल, यहां पर मेंडल के अकॉर्डिंग टू डेक्सटल, लेकिन यहां तो डेक्सटल बन जाता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है मेंडल के नियम के अनुसार कि भाई यहां पर तो एस प्लस कोडिंग बना, नहीं, या इसलिए डेक्सटर बन रहा है क्योंकि मदर का जो फिनोटाइप है वो डेक्सटर है, क्योंकि मदर से साइटोप्लाज्म आ रहा है ना, और इसके चीज जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ऐसे ही यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा बल्कि यहां पर हमको इसका साइटोप्लाज्म देखना है कि किसके साइटोप्लाज्म से यहां पर जीन्स आए हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म से आए, इसका मतलब है इसका जो कॉइलिंग होगा वो सिनिस्ट्रल है। अब ये होता क्यों है कि तो देखो ये जो कुंडल है ये जब जायगोट बन जाता है, जायगोट बनता है तो जायगोट के अंदर जो शुरुआती अवस्थाओं में जो मेटाफेज आती है, उस मेटाफेज में जो स्पिंडल फॉर्मेशन है यानी कि तर्कु तंतुओं का जो निर्माण है, उसमें परिवर्तन होता है या उसमें इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से ये कवच जो है उसका जो कॉइलिंग है वो घूम जाता है या कॉइलिंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसमें कॉइलिंग होता है। और जो कॉइलिंग के जो जीन्स हैं
स्पिंडल फॉर्मेशन इन द मेटाफेज ऑफ द जाइगोट, फर्स्ट मेटाफेज, याद रखना, फर्स्ट क्लीवेज या मेटाफेज जो क्लीवेज जब होता है, यानी कि इसका विघटन जब होता है, तो उस समय जो मेटाफेज आती है उसमें इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, तो कॉइलिंग की जो डायरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द स्पिंडल इज कंट्रोल्ड बाय द मदर जीन, ठीक है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन का जो जीन है वो इनके लिए वो मदर जीन है, तो मदर जीन जो है वो साइटोप्लाज्म से आता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द साइटोप्लाज्म, अकॉर्डिंग टू दिस द साइटोप्लाज्म इज कंट्रोल्ड सेल कॉइलिंग इन सेल्स। अब हम इसके फर्दर देखते हैं। ये अब आगे चलते हैं, ये मैंने यहाँ कुछ ग्राफ बनाए हैं, ये इनका F1 है, ये इसका F2 है, ये इसका F3 है, ऐसे ये इसका जो रेसिप्रोकल है तो इसका भी ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो यहाँ से हम देखेंगे आगे की फर्दर आगे क्या होगा। देखो ये हमने देख लिया था कि F1 में ये डेक्स्टर बना है, ये सिनिस्टर बना है, ये सिनिस्टर है, क्योंकि तो यहाँ पर ये सिनिस्टर है तो ये भी सिनिस्टर है। अब आगे हम चले तो देखो डेक्स्टर मतलब राइट होता है और सिनिस्टर मतलब लेफ्ट होता है। तो जब हमने इस F1 के अंदर सेल्फ इनब्रीडिंग मतलब इनब्रीडिंग कराई या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो हमने पाया कि F2 पीढ़ी में जितने भी घोंगे हैं सभी के अंदर जो सेल्स है या जो सेल कॉइलिंग है वो डेक्स्टर या फिर राइट होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब डेक्स्टर। ऐसे यहाँ पर जब हम इसमें करते हैं ये एक क्या बोलते हैं इसको इनब्रीडिंग करते हैं तो यहाँ भी हम पाएंगे ये सभी जो है वो सिनिस्टर है, F2 पीढ़ी में यहाँ भी सब इस वाले में अगर हम देखें तो S+S ये डेक्स्टर है, इसकी हम F2 निकालते हैं इनब्रीडिंग करवाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी डेक्स्टर है। क्यों डेक्स्टर है? क्योंकि यहाँ पर जो F इसका जो जीनोटाइप है ये मदर का वो S+S है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इसका है। उसके बाद हम आगे जाएंगे F3 में तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जितने भी इससे बनेंगे वो सब ऑल राइट होंगे, डेक्स्टर होंगे, इससे बनेंगे ये सब डेक्स्टर होंगे, इससे बनेंगे ये सब डेक्स्टर होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको सिनिस्टर मिलेगा। क्यों मिलेगा? लेफ्ट या सिनिस्टर मिलेगा, क्यों मिलेगा? तो इसका कारण है कि इस मदर का जो जीनोटाइप है हम यहाँ पर लेने वाले हैं ना, कि मदर जो है वो भी हम एस इसको ये लेंगे और जो फीमेल है वो जो मेल है वो भी हम ये लेंगे, तो यहाँ पर मदर का जो जीनोटाइप है वो ये है SS, यहाँ पर S+ है नहीं, जब S+ नहीं है तो इसलिए ये जितने भी सेल्स बनेंगे वो सब लेफ्ट हैंडेड या फिर सिनिस्टर होंगे। एक बार फिर से देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रा करता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखो S+S into S+S जब करवाते हैं तो F2 पीढ़ी में जितने भी हैं इस S का इस S के साथ तो S+S+ दूसरा देखो S+S तो S+S तीसरा ये S इसके साथ तो S+S और ये S इसके साथ ये SS ये हो गई इसकी F2 पीढ़ी। अब हम इनमें F3 के लिए फिर दोबारा देखो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर सब डेक्स्टर रोटेटरी होंगे क्योंकि यहाँ पर सब डी वाले डेक्स्टर रोटेटरी डेक्स्टर डेक्स्टर
ये भी नेक्स्ट कर्व। उसके बाद हम F3 में अगर जाते हैं तो F3 में आप पाएंगे कि जो डेक्स्ट्रल है उनसे हमको एक लास्ट में सिनिस्टर मिलेगा। तो देखो ये S प्लस, या हम सीधा लिख सकते हैं कि ऑल डेक्स्ट्रल या राइट, ऐसे यहां पर हम देखेंगे ऑल राइट होंगे, क्योंकि इनमें ऑल राइट होंगे, ऑल डेक्स्ट्रल होंगे या ऑल राइट होंगे, क्योंकि यहां जो है ना ये होगा लेफ्ट या सिनिस्टर। ये सब राइट क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर जो जीरो टाइप है मदर का वो एस प्लस एस है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म के अंदर डेक्स्ट्रोरिटी वाला करेक्टर है। लेकिन जब इसमें आप देखेंगे तो ये स्मॉल एस है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं भी आगे जब हम करेंगे ना, यहां तो था जीन, क्योंकि तो यहां इसके अंदर ये जीन था कि भाई साइटोप्लाज्म वो इसका था, तो जो साइटोप्लाज्म था उसकी वजह से यहां पर तो ये हो गया। लेकिन अब आगे हम जाएंगे तो इसके अंदर फिर एस प्लस वाला कोई मदर के अंदर कोई गुण है ही नहीं, जब गुण नहीं है तो जितने भी ये होंगे वो सब लेफ्ट हैंडेड या फिर सिनिस्टर होंगे। ऐसे हम इसको यहां देखते हैं, इस वाले पे देखिए जरा, ये डेक्स्ट्रल है, ये सिनिस्टर है, ये इसका F1 है, ये वाला तो F1 हमने देखा ये सिनिस्टर बना, क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो मदर से आ रहा है, तो यहां पर तो हमारा वो जो मेंडल का नियम या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये मेंडल के नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम नहीं आ रहे। आगे चलिए, जब इसके हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो इनब्रीडिंग में आप देखेंगे कि जितने भी ये हैं, देखो जितने भी ये हैं वो सब डेक्स्ट्रल बनेंगे, क्यों बनेंगे, इसका कारण है क्योंकि सबके अंदर बी यानी एस प्लस मौजूद है। भाई जो कवच कुंडलन है या जो कॉइलिंग है वो एस प्लस जीन के द्वारा निर्धारित होती है, तो जब एस प्लस जीन है और एक ये है तो ये जो एस प्लस जीन है ये प्रभावी है, इसलिए डी बना लेता है डेक्स्ट्रल और ये सिनिस्ट्रल बना लेता है। तो जब इसके अंदर हम देखेंगे सबके अंदर यहाँ पर जो अपना ये एस प्लस का, देखो मादा भी यही होगा ना एस प्लस एस और नर भी यही होगा एस प्लस एस, तो इनसे बनने वाले जितने भी गोंगे होंगे उन सब के अंदर आपको डी ही मिलेगा, डेक्स्ट्रल ही मिलेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन्स है वो इसके। उसके बाद हम इसकी F3 निकालते हैं तो F3 के अंदर वही कंडीशन आएगी, ये डेक्स्ट्रल है तो निश्चित रूप से सभी डेक्स्ट्रल होंगे, ये डेक्स्ट्रल है सभी डेक्स्ट्रल होंगे, ये डेक्स्ट्रल है सभी डेक्स्ट्रल होंगे। लेकिन यहाँ पर वही समस्या हो जाएगी, यहाँ जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर उपस्थित जो जीन्स है वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट या विदाउट एस प्लस के हैं, इसलिए बनने वाले जो भी घोंगे होंगे उन सब के अंदर जो कुंडलन है वो यहाँ बिल्कुल सिनिस्टर होगा, डेक्स्ट्रल नहीं होगा। तो ये था घोंगों में कवच कुंडलन का एग्जांपल। देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो यहीं से पता चल जाता है, आगे हम जाएं वो अलग चीज है, बाकी पता ही चल जाता है कि इसमें डेक्स्ट्रल मदर से बनता है यहाँ पर, और इसमें देखो सिनिस्ट्रल जो है वो यहाँ मदर से बनता है। तो डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल की जो कहानी है वो हमको यहीं से पहली बार से पता चल जाता है। अगर ये मेंडल के अकॉर्डिंग होता तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये S प्लस अकॉर्डिंग होता और ये भी S प्लस अकॉर्डिंग होता, दोनों के अंदर ही डेक्स्ट्रल पोजीशन होती। आई होप आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल पहला विषय में कप्पा कणों की वंशागति, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।